1498 में आज एक दिन पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। रोमन सभ्यता के इतिहास में यूरोप को पता था कि पूर्व में एक अलग संस्कृति वाला समृद्ध देश है, जिसके बाद बड़ी संख्या में यूरोप नाविक खोज में निकल पड़े। सन 1900 में आज ही के दिन हिंदी साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। वीड़ा, पल्लव, चिदंबरा, युगवाणी, युगपद, स्वर्ण ग्रहण आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य में योगदान के लिए पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। 1932 में आज ही के दिन भारतीय क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल का निधन हुआ था। कांग्रेस के क्रांतिकारी देशभक्त लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल की तिकड़ी को लाल बाल पाल कहा जाता था। और आज एक दिन 1965 में ब्रिटेन की पुलिस को हथियारबंद अपराधियों और खतरनाक व्यक्तियों के खिलाफ आंसू गैस की बंदूकें और गोले इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। तत्कालीन गृह मंत्री सर फ्रैंक सॉस्किस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी घोषणा की थी। 1983 में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में हुए कार धमाके में आज ही के दिन कम से कम 16 लोग मारे गए थे और 130 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। इस धमाके के लिए रंगभेदी विरोधी और गैर कानूनी घोषित की गई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को जिम्मेदार माना गया था।